हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। आज जो लेक्चर है वो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 12 और आज पढ़ेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी मेरा आखिरी रास्ता है, मेरा आखिरी हथियार है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन समझाने का, आपको ये बात समझाने का कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा खुद से, है ना। तो ये कहानी शुरू हुई थी थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 9 फिजिक्स वाला नाम से, यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स 09 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये कहानी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सेकंड लॉ हमसे यही बात करता है कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। और ये बात डिसाइड करने के लिए लेक्चर नंबर 9 आया, 10 आया, 11 आया और अब 12th आ रहा। आज का लेक्चर एक फाइनल है, लास्ट नेल इन द कॉफिन, समझ रहे हैं, ठक ठक ठक, आखिरी खत्म। आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि डिसाइड कर देगा कि कौन सा रिएक्शन सच में होगा कौन सा नहीं होगा। हमने दो कंडीशन ली थी, इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों फेल की हुई हैं, तो फाइनली आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा और आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। मुझे पता है तुम लोगों को नफरत होती है कि सर ये क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, ऐसे क्यों नाम होते हैं सर, है गिब्स फ्री एनर्जी है सर, ऐसा नाम क्यों नहीं होता सुरेश फ्री एनर्जी, है ना। तुम लोग कुछ करो यार लाइफ में, बड़ा मजा आया मेरे को, मैं देखूं कि भाई भारत के लोगों का भी नाम हो रहा है इधर से, है ना, हम लोग का भी नाम आ रहा हो, ऐसा कुछ करो। आता है ऐसा नहीं है पर कम दिखता है ना, हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ऐसा क्यों नहीं होता कि अपना कोई आ जाता है ना हिमांशी रिएजेंट, है ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई कि अमित रिएजेंट आ रहा है ना। खैर एनीवेज, भगवान करेगा ऐसा हो, देश के लिए तुम लोग कुछ करो। गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी समझो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी मेरा आखिरी रास्ता है, मैं साफ साफ लिखूंगा ये मेरा आखिरी रास्ता है, ये मेरा आखिरी रास्ता है इस बात को समझने का कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। दिस इज द लास्ट मेथड, दिस इज द वन एंड ओनली परफेक्ट मेथड टू डिसाइड विच ऑफ द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, लास्ट मेथड है मेरे पास ये, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम स्पॉन्टेनिटी में थी, क्या थी स्पॉन्टेनिटी में प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि कोई रिएक्शन खुद से होगा कि खुद से नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई चीज खुद से हो जाना, है ना, जैसे आप लोग चार दोस्त मिलते हो तो एक दोस्त की बेइज्जती कर देते हो तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से हो जाना। तो खुद से हो जाने की पहली कंडीशन आपने पढ़ी थी वो थी एंथैल्पी पे। एंथैल्पी कुछ नहीं है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हमने बोला था कि डेल्टा एच जिस रिएक्शन का नेगेटिव हो, मतलब रिएक्शन कैसा हो, एक्सोथर्मिक हो, जिसमें हीट बाहर निकल रही हो, जिसमें हीट बाहर निकल रही हो। हीट बाहर निकलने का मतलब क्या है, हीट बाहर निकलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो यहां से यहां आते वक्त कुछ एनर्जी बाहर निकल जा रही हो, तो भाई एनर्जी किसी के अंदर से निकल जाती तो वो चीज रिलैक्स हो जाती है कि नहीं। अब मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी भरी हो, बहुत कूट कूट के एनर्जी भरी हो, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा बाहर, नाचूंगा गाऊंगा, फिर आके सो जाऊंगा, मतलब बाद में स्टेबल हो जाऊंगा। तो हम बोलते थे इधर से इधर आने में क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी, और भैया जिस प्रोसेस में मिलेगी स्टेबिलिटी वो खुद से होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनिटी होगी इसमें। यहां पे एनर्जी मान लो 100 जूल थी, यहां पे एनर्जी 80 जूल रह गई और 20 जूल बाहर निकल गए, हम खुश हो गए, हमारी एनर्जी कम हो गई। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री यही तो कहती है कि एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी मिलती है, और जिधर स्टेबिलिटी मिलेगी प्रोसेस उसी तरफ बढ़ेगा। तो पहली कहानी ये थी कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही हो, उसमें सिस्टम को आराम मिलेगा कि सिस्टम की एनर्जी चली गई, सिस्टम स्टेबल हो गया, और ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये कहानी थी, ये कहानी 100% सच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका ड्रॉबैक क्या आया, इसका ड्रॉबैक आया भैया जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखा गया ऐसे बहुत से एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखा गया ऐसे बहुत से रिएक्शन हैं जो खुद से हो रहे हैं और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं
और खेल खेल देते हैं, जैसे आइस पानी बनाता है, बर्फ को निकाल के बाहर रख दो क्या होगा, गल के पानी बन जाएगा, क्यों? आइस ने हीट एब्जॉर्ब की कि रिलीज की? एब्जॉर्ब की। और प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस, खुद से होता है। बर्फ को निकाल के बाहर रख दो, बर्फ सराउंडिंग से, आइस सराउंडिंग से हीट खींचेगा और मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। सो दैट इज स्पॉन्टेनियस, जबकि वो एंडोथर्मिक है। मतलब ये कंडीशन पूरी तरह से सही नहीं थी, तो ये कंडीशन हमारे लिए 100% करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं हुई। कहीं कहीं पे सही थी, कहीं कहीं पे नहीं। एग्जाम्पल समझ में आया? बर्फ वाला है, क्लियर है एकदम। एक और एग्जाम्पल ले लो, सर पानी को मैं बाहर रख दूं, घर के बाहर मैं किसी वो बकेट में भर के पानी को रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी उसमें से कम हो जाता है, एवेपोरेट हो गया। कैसे एवेपोरेट हुआ भैया? बाहर से उसने हीट खींची और खुद चेंज हो गया किसमें? वाटर वेपर में, हीट को एब्जॉर्ब करके। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अपने आप हो रहा है। कुछ समझा नहीं पाया कोई अभी तक? लोग सोच रहे थे एनर्जी कम होती इसलिए स्टेबल, यहाँ तो एनर्जी ज्यादा हो रही है तो भी स्टेबल, तो भी ये रिएक्शन खुद से हो रहा है। तो कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, एक काम करते हैं, हम दूसरा एक वेरिएबल उठाते हैं। दूसरा वेरिएबल ले लेके आए एंट्रोपी, यही है दो वेरिएबल, एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या मतलब था? एंट्रोपी का मतलब था रैंडमनेस, है ना, मतलब साफ अगर एकदम देसी भाषा में बात करें, रैंडमनेस या डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। वैसे तो पूरे लेक्चर बन के रखे हैं, आपको देखना हो थर्मोडायनेमिक्स 10 देखो, शायद 50 मिनट का है, थर्मोडायनेमिक्स 11 देखो, वो भी 50 मिनट का होगा, जिसमें एंट्रोपी पूरी समझाई अंदर तक क्या होती है। एंट्रोपी तो बहुत प्यार समझाई दो लेक्चर में। खैर, अभी बात कर रहे हैं एंट्रोपी, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। तो हमसे सेकेंड लॉ में बोला गया कि भैया कोई भी सिस्टम उधर जाता है जिधर रैंडमनेस बढ़ रही हो, जिधर डिसऑर्डर बढ़ रहा हो। रैंडम चीजें होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दुनिया में, ऑर्गेनाइज चीज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो सिस्टम अपने आप ऑर्गेनाइज तरफ जाएगा कि रैंडम तरफ जाएगा? रैंडम तरफ जाएगा, है कि नहीं? मैं तुम्हें सुबह उठ के ना बताऊं तुम्हें क्या करना है, तुम सुबह उठ के डिसाइड नहीं करो तुम्हें क्या करना है, तो तुम क्या करोगे? कुछ भी करोगे, रैंडम चीजें करोगे, बकवास करोगे, है ना, चूहा खाओगे, शेर खाओगे, हाथी खाओगे, कुछ भी करोगे। पर अगर सुबह उठ के तुमने सोच लिया मुझे चूहा खाना है, तो तुम दिन भर चूहा खाओगे? नहीं समझे, समझे कि नहीं? अगर कोई चीज आप फिक्स करो तो वो टफ होती है थोड़ी, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो ये फिक्स कर लिया तो ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। मैं 6 घंटे खेलूंगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसकी भी है प्रोबेबिलिटी पूरी तरह सही नहीं है। तो रैंडम चीजें दुनिया में ज्यादा होती हैं। और चलो केमिस्ट्री में समझाते हैं, सब बकवास बातें बंद करते हैं। एक्चुअली सेकंड लॉ आता है तो बकवास ही निकलती है, सेकंड लॉ यही है, फालतू की खूबड़े सारी बातें। खैर, जैसे मान लो हमने तुमको कई बार ये समझाया कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक कंटेनर में एक गैस, दूसरे कंटेनर में दूसरी गैस, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा? दोनों गैस मिल जाएंगी। क्यों मिली? रैंडमनेस बढ़ गई। डिसऑर्डर हो गया कि ऑर्डर हुआ? डिसऑर्डर हुआ। अब इसी सिस्टम को छोड़ दो, क्या अपने आप दोनों गैस सेपरेट होंगी? नहीं। जो चीज रैंडमनेस वाली होती है ना वो जल्दी होती है, और जो चीज वापस सही होने वाली होती है ना वो इतनी आसानी से नहीं होती। चीजें खराब आसानी से होती हैं, चीजें सही सही से नहीं होती। एक कमरा है तुम्हें दे दूं तो अपने आप साफ नहीं होगा, अपने आप गंदा हो जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी, ऑर्डर चीजें नहीं बढ़ेगी। तो ये एंट्रोपी थी। तो इन्होंने हमसे कहा कि किसी सिस्टम का डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है, सिस्टम का क्या, किसी प्रोसेस का डेल्टा है, समझना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, किसी का डेल्टा एस पॉजिटिव है, इनका मतलब था डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब है रैंडमनेस बढ़ रही, घुमा फिरा के ये बताया इन्होंने। किसी को एंट्रोपी में कंफ्यूजन है, ऊपर यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें थर्मोडायनेमिक्स 10 और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 11 फिजिक्स वाला, दोनों में मैंने एंट्रोपी समझा। तो भैया इन्होंने बोला एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, और रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। जैसे मैं बोलता हूं पानी में चीनी मिला दो तो क्या होगा? चीनी अपने आप घुल जाएगी पूरे पानी में, रैंडम जगह डिसऑर्डर हो जाएगी। अब उसी पानी को छोड़ दो तो अपने आप चीनी के क्यूब वापस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज चीज है, नहीं होगी। तो यही बता रहे थे कि रैंडमनेस बढ़ती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज्यादा होते हैं। जैसे हमने बोला हम आइस को छोड़ दे बाहर तो आइस किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन ज्यादा हो सकता है, आइस में उतना रैंडम मोशन नहीं हो सकता। आइस ऑर्गेनाइज्ड है, वाटर क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड है। पानी को बाहर छोड़ दो तो वाटर वेपर बन जाता है। पानी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। वाटर वेपर क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड है, है ना, मॉलिक्यूल्स और दूर हो गए और रैंडम। पर यार ऐसे कई प्रोसेस देखे गए जो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, ये भी 100% करेक्ट नहीं हुआ, ये भी 100% करेक्ट नहीं हुआ। नो, ऐसे बहुत से रिएक्शन देखे जिसका डेल्टा एस नेगेटिव है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया? एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एस इंक्रीज कर रहा है तो उसका चेंज पॉजिटिव है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव। पर ऐसा देखा गया ऐसे बहुत से रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है, और तब भी वो स्पॉन्टेनियस है।
ऐसे बहुत से रिएक्शन मिले, फॉर एग्जाम्पल लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कई गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, कई गैस आसानी से लिक्विफाई, गैस में रैंडमनेस ज्यादा है, लिक्विड में रैंडमनेस कम है, फिर भी गैस लिक्विड बन जाती है, जो कि कहता है कि ये चीज गलत है उसके हिसाब से। तो हम समझे ना ये 100% करेक्ट ना ये 100% करेक्ट, और तब जन्म हुआ किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी समझाई कि क्या क्या हुआ था अब तक आपने देखा, ठीक है, अब तक आपने ये सब देखा। अब इसके बाद आया कि भैया ना ये समझा पाए स्पॉन्टेनिटी को ना ये समझा पाए 100%। तो ये दोनों फैक्टर टूटने के बाद हमारे पास एक नया टर्म का जन्म हुआ जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी, जो किसी भी प्रोसेस का 100% गारंटी लेकर, आखिरी रास्ता है, 100% गारंटी लेकर क्या समझा देगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, 100% करेक्ट कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो इसकी जन्म जो हुआ है वो भी आज से 100 साल पहले हो चुका है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तू है कि नहीं। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो डिफाइंड है वो देखो, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जो कर रहा था वो बकवास बातें थी समझाने के लिए। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, एच इज इंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस इज इंट्रोपी, क्लियर है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब ये जो जी है तुम देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंथैल्पी पे, इंट्रोपी पे, टेम्परेचर पे, और सबके सब स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है कि नहीं, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी, तो जी भी अपने आप में क्या बनता है, एक स्टेट फंक्शन। आप कई लोग कह रहे हैं ई का है भैया स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन बच्चों वो चीज होता है जिसका चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ऐसी चीजों को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं जिसका चेंज सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे, इस बात पे डिपेंड ना करे कि चेंज किस तरह से हुआ है, चेंज किस रास्ते से हुआ है, इस पे डिपेंड ना करे, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे डेल्टा एच निकालना हो तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, डेल्टा एस निकालना हो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है। साथ में ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कहा है एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव इसलिए क्योंकि एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव थी, एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव थी। एक्सटेंसिव क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, जितना ज्यादा मैटर होगा उतनी ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगी। तो स्टेट फंक्शन भी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है, याद है ना कि स्टेट फंक्शन को अगर साइक्लिक प्रोसेस में कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, जीरो, चेंज को, द चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी डेल्टा एच को मैं साइक्लिक में लूं तो जीरो, डेल्टा एस को साइक्लिक में लूं तो जीरो, डेल्टा टी को साइक्लिक में लूं तो जीरो। अगर कोई भी चीज अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज साइक्लिक में कितना आता है, जीरो, घूम के अगर वापस वहीं आए तो चेंज जीरो है, क्योंकि उसको रास्ते से फर्क नहीं पड़ा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से फर्क पड़ा, घूम के वापस वहीं आए तो वही इनिशियल वही फाइनल। खैर, तो G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, वेयर G इज गिब्स फ्री एनर्जी। अब मैं तुमको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि G का नो सिग्निफिकेंस, G की कोई वैल्यू है ही नहीं, G से हमें कोई फायदा होना ही नहीं है ना, जो होना है फायदा आप समझ गए हो कि G मेजर नहीं हो सकता। जैसे S से हमें कोई फायदा हुआ है आज तक, बताओ, क्या हमने S को यूज किया, नहीं, क्या हमने H को यूज किया, नहीं, हमने डेल्टा H को, डेल्टा S को, इस तरह से हम डेल्टा जी निकालेंगे बच्चों, तो यहां से डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू एस। डेल्टा जी हमारे लिए मीनिंगफुल है, ठीक है, इसी का काम होगा सारा, मीनिंगफुल, गलत लिखा है क्या, चलो सिग्निफिकेंट लिख देता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, हा हा हा। तो डेल्टा जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। और देखो जितने भी तुम केमिकल रिएक्शन देखते हो, क्या रिएक्शन के बीच में कभी टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं, रिएक्शन तो एक फिक्स टेम्परेचर पे करते हैं। क्या रिएक्शन के बीच में प्रेशर चेंज होता है, नहीं, रिएक्शन जहां पे होगा उसी जगह पे होगा,
भाई किसी एक सराउंडिंग में अगर रिएक्शन हो रहा है, किसी एक जगह पे हो रहा है, तो अगल बगल अचानक से थोड़ी ना कि होगा कि प्रेशर ही चेंज हो गया, हवाएं चलने लगी या अचानक से तूफान आ गया तो प्रेशर चेंज हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। जनरली क्या होगा उस जगह का, प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो अगर इफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में हम बात करें, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में बात करें, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं, माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द सिंगल मोस्ट इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी दैट विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। कहा बोले सर, हम ये बोले भैया यही इक्वेशन है, जो है यही है, ठीक है, इसको पकड़ लो अच्छे से। इसको हम बोलते हैं गिब्स हेम होल्ड्स फंक्शन, Gibbs Helmholtz function. This is very important and this you have to remember. भैया G का कोई काम नहीं है, G का function याद रखो H minus Ts. G का काम कहां पर है, कहीं नहीं, असल में काम डेल्टा G का है। और डेल्टा G भी कहां पे लेते हैं, ज्यादातर हम उन रिएक्शन में जहां प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जो कि होता है यार, जितने भी रिएक्शन होंगे केमिकल रिएक्शन, वहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर रिएक्शन के बीच में थोड़ी ना बदलेगा। So delta G is equals to delta H minus T delta S is the defining equation for change in Gibbs free energy. Change in Gibbs, this is not Gibbs free energy, this is change in Gibbs free energy. तो note करें इतना, अभी आपके दिल में पता है बहुत से तूफान उठ रहे हैं कि क्या होता है free energy, वो भी हम समझेंगे, इतना note कर ले पहले, note कर लिया। अभी एक बच्चे ने मुझको कमेंट करके बताया कि आपका राइटिंग बहुत गंदा है और आप किसी और टीचर का नाम लिया उनके जैसा लिख लिए, तो मैंने कल से राइटिंग के लिए क्लासेस लेने स्टार्ट की है, एक सुंदर सी मैम रखी है, सुंदर सी मैम सर, हाँ वो मुझको अब राइटिंग सिखा रही है। चले आगे बढ़े, नोट कर लिया है, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्लियर है, नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। सो गिब्स फ्री एनर्जी में जी फंक्शन समझ में आ गया आपको, एच माइनस टी एस, और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको ये चीज याद हो जाए, क्या याद करना है आपको, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस एंड डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कब लगाना है, कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, समझते हैं इसको ना, इसका मतलब क्या है, इसकी है क्या, ये आखिर है क्या। तो यार असल में जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल्टा जी, ये होता है नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। समझाते हैं, मान लो किसी रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस 100 किलो जूल, एग्जाम्पल के लिए, इसका मतलब जो यूजफुल वर्क सिस्टम कर सकता है या सिस्टम को चाहिए, दोनों बातें हो सकती है, वर्क यूजफुल, इसका नेगेटिव मतलब होगा 100 किलो जूल, मतलब यह सिस्टम 100 किलो जूल का काम कर सकता है, एनर्जी नहीं देगा, यह नहीं कह रहा 100 किलो जूल की एनर्जी बाहर निकलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगा, नहीं, 100 किलो जूल का यह सिस्टम काम कर सकता है, यह सिस्टम 100 किलो जूल का काम कर सकता है, मतलब यार इसके पास है अभी कुछ, यह काम कर सकता है, ऐसा रिएक्शन जल्दी होगा जिसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होने पे सिस्टम कुछ काम कर सकता है, सिस्टम के पास एबिलिटी है टू डू समथिंग, उसे बाहर की दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप वो कुछ कर सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, मान लो डेल्टा जी की वैल्यू है प्लस, कुछ ले लेता हूं 50 ले लेता हूं, प्लस 50 किलो जूल, इसका मतलब वर्क यूजफुल जो ये सिस्टम कर सकता है वो है माइनस 50 किलो जूल, मतलब कुछ नहीं कर सकता ये, इसे माइनस 50, इसको 50 किलो जूल दोगे तब ये प्रोसेस होगा, वरना ये प्रोसेस नहीं होगा, 50 किलो जूल एनर्जी नहीं चाहिए इसको, समझो इसको वर्क चाहिए, यूजफुल वर्क,
एनर्जी और वर्क अलग अलग चीजें, यूजफुल वर्ड लगा यहाँ पे, यूजफुल मतलब ये काम किसी यूज का हो, किसी मतलब का हो, इसको किसी और फॉर्म में चाहिए इसको, ऐसा नहीं कि हीट करके दे दिया, नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम बनने के लिए, मतलब यहां तक आने के लिए, बनने के लिए कितना रुपया मांग रहा है, कितना रुपया मांग रहा है, 50 किलो जूल मांग रहा है। अब बताओ दोनों में से कौन स्पॉन्टेनियस है, खुद से बताओ, कौन खुद से होना चाहेगा, ये कि वो तो मांग रहा है यार, उसको तो देना पड़ेगा, गरीब आदमी है वो तो नहीं होगा, ये खुद से हो जाएगा। समझो बात को, नोट करो पहले इसको, फिर समझाते हैं। डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। याद रखें ये जो वर्क है ये पी डेल्टा वी वाला वर्क नहीं है। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं और टीचर्स भी कि भैया ये पी डेल्टा वी वाला वर्क नहीं, नहीं 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 नहीं, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क की बात हो रही है, ये सिस्टम में छुपा हुआ वर्क है, नॉन एक्सपेंशन, ये छुपा हुआ वर्क है, ये बचा हुआ है सिस्टम के पास। अगर ये सिस्टम बनता है तो ये धनी हो जाएगा, ये धनी हो जाएगा, कितना, 100 किलो जूल से, इट विल बी वेरी रिच, इसके पास 100 किलो जूल का काम पड़ा है, किसी को भी दे सकता है कि हम अमीर हो गए, ये प्रोसेस करने से हम अमीर हो गए और ये गरीब हो गया, इसको ये चाहिए। मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दैट इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्या, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दिस इज द लास्ट कंडीशन फॉर विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये आखिरी कंडीशन है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं। इंग्लिश में आजकल ज्यादा यूज करने लगा हूं क्या, ये तो आपने इंग्लिश, सो दैट इज द रीजन। ओके सर, हो गया, पढ़ा दाढ़ी वाले आदमी, समय कम है, क्लियर, नोट कर लिया। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब उस सिस्टम को वर्क चाहिए, अपने आप नहीं होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। प्रूफ करें सो किसी और तरह से, यहां से नोट कर लिया, डेल्टा जी इज नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, नेगेटिव ऑफ, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, यूजफुल वर्क, मिटा रहे। अच्छा, इसी बात को मैं प्रूफ करता हूं कहीं और से, यही बात मैं प्रूफ करता हूं कहीं और से कि डेल्टा जी नेगेटिव होने पे ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं डेल्टा एच, यहां पे लिखते हैं डेल्टा एस, ठीक है, सिर्फ दो अभी कंडीशन लेंगे हल्की हल्की, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं डेल्टा जी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल की रिएक्शन हो जाए, है ना, इनके हिसाब से, डेल्टा एच के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन क्या है रिएक्शन होने की, एक्सोथर्मिक हो रिएक्शन, हीट बाहर निकले, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो तो बढ़िया है, हीट बाहर निकल रही हो, सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो इनके हिसाब से रिएक्शन हो जाना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। डेल्टा एच के हिसाब क्या है, डेल्टा एच के लिए फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, जितनी बढ़ेगी रैंडमनेस उतना रिएक्शन जल्दी होगा, जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, है कि नहीं, जिस तरफ डिसऑर्डर ज्यादा होगा रिएक्शन उसी तरफ तो होगा, मतलब एंट्रोपी जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है, मतलब डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव हो तो रिएक्शन होगा। अब जरा डेल्टा जी देखते हैं ऐसी कंडीशन में क्या आने वाला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पहली कंडीशन फेवरेबल है, नेगेटिव माइनस, दूसरी कंडीशन भी फेवरेबल है पर अभी पॉजिटिव है, नहीं समझे, नहीं समझे, हम कह रहे हैं ये भी फेवरेबल है ये भी, जब दोनों फेवरेबल होगी तो रिएक्शन हो ही जाएगा, पहले एक्सेप्शन क्यों मिल रहे थे, क्योंकि डेल्टा एच अकेला कहानी नहीं समझा पा रहा था और डेल्टा एस भी अकेला कहानी नहीं समझा पा रहा था, दोनों लड़ जा रहे थे आपस में, अभी हमको एक नया वेरिएबल मिल गया डेल्टा जी जो कहानी को सॉल्व कर देगा। हमने कहा अभी ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, अब तो रिएक्शन होगा ही होगा, रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये भी फेवरेबल, ये भी कह रहा है कि हाँ भाई हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम स्टेबल, ये कहेगा ठीक है रिएक्शन होगा। एंट्रोपी कह रहा है हाँ हम रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं, जिग-जिग बढ़ा रहे हैं, तो वो भी कह रहा है रिएक्शन होगा। तो यहां पे आएंगे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो देखो ओवरऑल भैया ये नेगेटिव
टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव मतलब ओवरऑल कैसा आ रहा है नेगेटिव और रिएक्शन कैसा है स्पॉन्टेनियस। तो जैसे समझना हो समझ लो, ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होना ही था, इसके दोनों कंडीशंस फेवरेबल थी तो इसको तो स्पॉन्टेनियस होना था। डेल्टा जी कैसा आया नेगेटिव, तो यहां से भी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि डेल्टा जी अगर कैसा दिखे नेगेटिव तो रिएक्शन कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। जब दोनों फेवरेबल हैं तो यार आंसर तो फेवरेबल होगा ही ना, कोई रोक ही नहीं रहा। जैसे मान लो दोनों नॉन फेवरेबल ले लूं मैं, दोनों नॉन फेवरेबल, डेल्टा जी कैसा आएगा खुद से बताओ पॉजिटिव। चलो इसका नॉन फेवरेबल कंडीशन खुद से बताओ, नॉन फेवरेबल क्या हुआ, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो हीट को एब्जॉर्ब कर ले ही, मतलब जिसका डेल्टा एच कैसा हो पॉजिटिव। इसकी नॉन फेवरेबल बताओ, चलो बताओ इसकी नॉन फेवरेबल क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज करे। ऐसा सिस्टम हो जो ऑर्गेनाइज वे की तरफ जा रहा हो, ये चीज नहीं हो सकती ना, कोई अपने आप खुद से ऑर्गेनाइज वे की तरफ जा रहा है कि हम सही हो जाएंगे, यानी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही हो तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है कंडीशन, डेल्टा एस के लिए अच्छी नहीं है, रिएक्शन होना नहीं चाहिए इस पे। हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन क्यों हो रहा होगा, शायद इसलिए हो रहा हो, शायद इसलिए हो रहा हो कि एंट्रोपी वाला फैक्टर फेवर कर रहा हो, पर हमने देखा एंट्रोपी वाला भी फेवर नहीं कर रहा है ना। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो भी जाते हैं भूले चुके से हीट एब्जॉर्ब करने वाले, वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि ये उनको बचा रहे थे, अभी ये भी नहीं बचा रहे। अब कह रहे हैं हम एंट्रोपी भी डिक्रीज करेंगे और हम हीट भी एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं सकता। आओ देखते हैं डेल्टा जी क्या कहते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कैसा आया भैया पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस कैसा है नेगेटिव। तो भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैंने ये बात आपको बताई भी और अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ठीक है, कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होगा नेगेटिव, और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी पॉजिटिव। जब दोनों कंडीशन फेवरेबल होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। जो अभी तक हो रहा था कि एक कंडीशन फेवरेबल है तब भी रिएक्शन, सॉरी एक कंडीशन नॉन फेवरेबल है तब भी रिएक्शन हो जा रहा है ना। मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमने बोला हो सकता है एंट्रोपी बचा रहा हो, पर एंट्रोपी भी नहीं बचाएगा तो दोनों नॉन फेवरेबल तो नॉन फेवरेबल, दोनों फेवरेबल तो फेवरेबल। प्रॉब्लम तो वहां आएगी, समझ गए, जब एक फेवरेबल एक नॉन फेवरेबल। तो पढ़ते हैं उसके बारे में, पहले इसको नोट कर लें, ठीक है। तो आप समझ गए हो, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी वो स्टेबल, जिसमें एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ेगी डिसऑर्डर बढ़ेगा वो स्टेबल। तो दोनों फेवरेबल तो काम बनेगा, हीट बाहर निकलती है तो नेगेटिव लेते हैं, एंट्रोपी बढ़ती है तो पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा आएगा। दोनों नॉन फेवरेबल तो भैया नहीं होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब एंट्रोपी क्या की इंक्रीज। थोड़ा नोट कर लो, ये मजा ही आएगा यार, सबसे फायदा ही होगा, कंसेप्ट अच्छा रखो। और ये कौन सा रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक, ये कौन सा रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक, और यहां पे एंट्रोपी क्या की डिक्रीज। बस इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े, काफी कंसेप्चुअल है, काफी, जी हाँ ये काफी कंसेप्चुअल है। हो गया, ओ हाँ तुमने देखा वो कितना कंसेप्चुअल था, हाँ वो काफी बड़ा था, मिटा दे, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं वो बात करूंगा जब दो में से एक कंडीशन फेवरेबल हो एक फेवरेबल ना हो तब क्या कहानी होगी, ठीक है। एक कंडीशन फेवरेबल हो एक नॉन फेवरेबल हो, समझना इंपॉर्टेंट है, नोट करें, डेल्टा एच डेल्टा एस, ठीक है। अब इसमें थोड़ी कहानी रहेगी साथ में, ठीक है, समझना, डेल्टा जी थोड़ी कहानी रहेगी डेल्टा जी पे, समझते हैं। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं फेवरेबल, रटना मत यार कुछ, इसको लेते हैं नॉन फेवरेबल, ठीक है। चलो भैया, फेवरेबल का मतलब हीट रिलीज हो रही है तो ये होंगे नेगेटिव, नॉन फेवरेबल का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो ये भी होंगे नेगेटिव। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाएंगे। डेल्टा जी जरा देखो,
ये कैसा है नेगेटिव माइनस टी और ये भी कैसा है नेगेटिव. तो भैया ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी. अगर ये वाला टर्म बड़ा होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्म बड़ा होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव. यानी इस केस में हम श्योर नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं. बोल राधा बोल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं. तो इसमें हम कंडीशन बनाएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा तो बड़ी आसान है यार कंडीशन बनाया था हलवा चीज है. आप ऐसा बोलो कि इसका डेल्टा जी क्या हो जाए भैया लेस देन जीरो नेगेटिव. मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो यानी टी डेल्टा एस लेस देन डेल्टा एच यानी टी लेस देन डेल्टा एच यू नेगेटिव होगा ना. हाँ टी डेल्टा एस इस तरफ जाएगा टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ये बनेगा ना. ये इस तरफ आएगा कुछ पॉजिटिव यानी टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. तो मिल गई कंडीशन हमको ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे. टेम्परेचर नहीं टेम्परेचर्स पे उन टेम्परेचर्स पे जो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से बड़े होंगे उन टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. मतलब ऐसा रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा क्योंकि ये तो कह रहा है स्पॉन्टेनियस हो जाए ये तो हीट रिलीज कर रहा पर ये रैंडमनेस कम कर रहा. तो हमने कहा कि कब होगा तो हमने बोला टेम्परेचर जब इससे ऊपर होगा तब ये स्पॉन्टेनियस. और कब ये नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस. भैया नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब टी डेल्टा एस उधर चला जाएगा लेस देन डेल्टा एच यानी टी लेस देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. तो देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल रहा उस टेम्परेचर से ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस उस टेम्परेचर से नीचे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. यानी अब टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी में. तो अभी तक दो ही चीज थी स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए एंथैल्पी और एंट्रोपी डेल्टा एच और डेल्टा एस. अब हमें समझ में आया टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है. हो सकता हो कोई रिएक्शन किसी गिवन टेम्परेचर पे होता है और किसी गिवन टेम्परेचर पे नहीं होता है. ये हम लोग केमिस्ट्री में देखते भी हैं तभी लिखा रहता कि इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा. समझ में आ रहा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा क्योंकि किसी गिवन टेम्परेचर पे उसका डेल्टा जी नेगेटिव किसी गिवन टेम्परेचर पे उसका डेल्टा जी पॉजिटिव. कोई एक ऐसा टेम्परेचर भी होगा जहां पे इसका डेल्टा जी जीरो हो जाएगा जब टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस रख देंगे हम टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई एग्जैक्टली जब यही वैल्यू आ जाएगी ये इक्वल हो गया ये इक्वल हो गया है कि नहीं ये इक्वल होगा ये वाला टर्म इक्वल होगा तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इस कंडीशन में डेल्टा जी कितना आ जाएगा जीरो. अब रिएक्शन ना स्पॉन्टेनियस है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है भैया. ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन. किसकी कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन. रिएक्शन आगे भी जा रहा रिएक्शन पीछे भी आ रहा जिस स्पीड से आगे जा रहा उसी स्पीड से पीछे आ रहा. ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब फॉरवर्ड जा रहा. ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है पर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है पर पीछे की तरफ स्पॉन्टेनियस होगा. आगे की तरफ नहीं जाना चाहता डेल्टा जी पॉजिटिव तो पीछे की तरफ आना चाह रहा होगा. उल्टा देखोगे तो स्पॉन्टेनियस होगा. जो रिएक्शन इस तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस इस तरफ स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी जीरो अगर कभी आ जाता है तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मस्त एकदम चिल. कब आएगा जब टी की वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. तो बस इतनी सी बात है इतनी सी कहानी है जो आपको समझनी थी. अब यही चीज एक बार और हो सकती है जब डेल्टा एच बोलो पॉजिटिव हो जाए मतलब नॉन फेवरेबल है कि नहीं. और डेल्टा एस हमारा फेवरेबल में चला जाए मतलब जो क्लैशिंग कंडीशन हो फेवरेबल में डेल्टा एस कैसे जाएगा फेवरेबल में बोलो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है यानी डेल्टा एस पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव यहां पे भी देखो डेल्टा एस की हालत खराब हो जाएगी सॉरी डेल्टा जी की वैल्यू इस वाली कंडीशन के लिए सेकेंड वाली के लिए इस वाले के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच कैसा है पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस कैसा है पॉजिटिव है. तो ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव अब कुछ भी हो सकता है. ये टर्म अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल नेगेटिव होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. ये टर्म बड़ा होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये भी फंस गए हैं तो इनके लिए भी यही चीज रिपीट कर देना
सेम कंडीशन। तो जब भी नॉन फेवरेबल हो और एक फेवरेबल हो तब आपको चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा जी को लेस देन जीरो और डेल्टा जी को ग्रेटर देन जीरो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम। ये तभी होगा जब इन दोनों का साइन सेम हो जाए, जब इन दोनों का साइन सेम। इतना डेप्थ में मत जाओ यार, टेंशन होने लगेगी, न्यूमेरिकल बहुत हलवा लगेंगे भी आपको। कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, न्यूमेरिकल्स के बहुत हलवे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बहुत ईजी हैं। चले आगे बढ़े, आप समझ गए अब तक। बस अब दिमाग में एक बात रखो, एक बात रखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। जितनी बातें बताई सबको भूल जाओ अब। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस ग्रेटर देन जीरो, इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू जीरो। आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके कंसेप्ट जितने थे मैंने आपको बता दिए। आओ अब न्यूमेरिकल देखें, चलो पहले एक तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल। फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ गिवन रिएक्शन ए टू टू बी प्लस सी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर, सो डेल्टा एच और डेल्टा एस हमको बताया, डेल्टा एच मान लो हमसे बोल दिया 30 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस मान लो हमसे बोल दिया है 60 जूल पर मोल पर केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सवाल आ गया हमारे पास। तो भैया स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, डेल्टा जी लेस देन जीरो, यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो। वैल्यू रख दो, डेल्टा एच की वैल्यू है 30 किलो जूल पर मोल, मतलब 30 × 10³। माइनस टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 60 लेस देन जीरो, यहां से ये इधर चला जाएगा टी इंटू 60 इज ग्रेटर देन 30 × 10³। बोलो सही है, ओके okay, बस यार हल्का सा न्यूमेरिकल, टी इज ग्रेटर देन 30 × 10³ डिवाइड बाय 60, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया 3000 डिवाइड बाय 6, 3000 होगा ना, 1000 × 6, 5 = 30, 0, 0, तो टी इज ग्रेटर देन 500 केल्विन। तो 500 केल्विन के ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, 500 केल्विन के नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस है, 500 केल्विन के नीचे इधर वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये वाला ये होने लगेगा, और 500 केल्विन पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट पक्का? अब मैं पूछता ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब होगा, तो आप डेल्टा जी को जीरो कर देते। मैं बोलता नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, आप डेल्टा जी को ग्रेटर देन जीरो कर देते। पक्का क्लियर हुआ है, मान ले हम, चलो भाई बहुत बढ़िया, मानते हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब जैसे मान लो इसी में और क्या आपसे पूछ सकता है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन ए टू एक्स प्लस जेड, द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, विच कंडीशन favors forward reaction, ठीक है, ऑप्शन ए टेम्परेचर इज हाई, ऑप्शन बी टेम्परेचर इज लो,
ऑप्शन सी टेम्परेचर इज मॉडरेट, ऑप्शन डी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब कोई रिएक्शन है जिसकी हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस कंडीशन रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड करने वाली कंडीशन बतानी है. बढ़िया सवाल है. मैं आपको शॉर्ट में एक चीज लिखा दूं, आप पहले तो याद कर लो. एक्सोथर्मिक होते हैं बच्चों लो टेम्परेचर पे और एंडोथर्मिक होते हैं हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, मतलब फायदा होता है. एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर जितना कम करोगे रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रिएक्शन उतना ज्यादा. ये दो बातें पहले नोट कर लो, और नोट करने के साथ आंसर तो तुमने मार ही दिया होगा, तुम तो बहुत चालू हो. एक्सोथर्मिक को फेवर करता है लो टेम्परेचर. ठीक है, एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है तो उसे टेम्परेचर की जरूरत थोड़ी ना है, ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर लो कर दो. एंडोथर्मिक में तुमको हीट ही तो चाहिए, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होगा तो उसको टेम्परेचर बढ़ा दो. तो ये फेवरिंग कंडीशन है. एक्सोथर्मिक को कौन फेवर करता है, लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक को हाई टेम्परेचर. तो यहाँ एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली लो टेम्परेचर. इसको गिब्स फ्री एनर्जी समझते हैं. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये कहानी है. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक का मतलब है इसका डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया माइनस टी डेल्टा एस. मतलब ये तो फेवर ही कर रही कंडीशन, रिएक्शन होना चाहिए. मान लो कहीं भूले चुके से इस रिएक्शन की एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव हो, मान लो ये कैसा हो, नेगेटिव हो, तो इधर से तो नेगेटिव और ये कैसा आ रहा, पॉजिटिव. अब ये रिएक्शन नहीं होना चाहेगा. अगर एंट्रोपी का साइन पॉजिटिव होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी नेगेटिव आता पूरा, ये भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं. हम कह रहे हैं मान लो डेल्टा एस नेगेटिव निकल जाए तभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये रिएक्शन कब होगा, जब ये टर्म बड़ा हो नेगेटिव वाला और ये टर्म छोटा हो. ये टर्म छोटा कैसे होगा, जब टेम्परेचर लो हो, तो भी बोलेंगे टेम्परेचर लो, बेटर है कि टेम्परेचर लो हो. अगर एंट्रोपी भी फेवर कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्परेचर लो रखो हाई रखो तब तो कोई टेंशन नहीं है. एंट्रोपी भी मान लो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव काम बन जाता. पर मान लो एंट्रोपी फेवर नहीं कर रहा, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अब ओवरऑल नेगेटिव चाहिए डेल्टा जी, ओवरऑल चाहिए कि नहीं, तो डेल्टा एच का टर्म बड़ा हो यानी इसका टर्म छोटा हो, मतलब टेम्परेचर लो हो. तो ये दो बातें मेरी याद रखना कि एंडोथर्मिक को फेवर करता है हाई टेम्परेचर. ऐसे सोचना कि एंडोथर्मिक में हीट चाहिए होती है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हीट मिल जाएगी, ऐसे सोचा करो. क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चों. ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन. क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन समझो बड़े कमाल की चीज है, एक छोटा सा टॉपिक टाइप का ही है कपलिंग रिएक्शन. क्या है कपलिंग रिएक्शन बच्चों, मान लो कोई रिएक्शन है ए टू बी और इस रिएक्शन का डेल्टा जी है सपोज कर लो -100 kJ/mol. मान लो इसका ये डेल्टा जी है -100 kJ/mol. मेरे पास एक और रिएक्शन हो रहा है C2D और मान लो इसका डेल्टा जी है +80 kJ/mol. इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होना चाहेगा, कौन सा रिएक्शन खुद से नहीं होना चाहेगा. इसका डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब ये होना चाहेगा. इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये खुद से नहीं होना चाहेगा. अब मान लो हमें ये रिएक्शन कहीं पे कराना है, कोई जगह है जहां हमको ये रिएक्शन कराना है और हमको पता है इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, ये खुद से नहीं होगा, पर हम चाहते हैं रिएक्शन खुद से हो जाए, हमें बार बार एनर्जी देने की वर्क करने की हमें जरूरत ना पड़े, यूजफुल वर्क हमें ना देना पड़े. तो हम क्या करेंगे, हम साइड में ये वाला रिएक्शन चला देंगे, हम साइड में ये रिएक्शन चला देंगे जिसकी वजह से ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा. अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करें सो ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी, ओवरऑल डेल्टा जी टोटल डेल्टा जी दोनों को जोड़ दो कितना होगा -20 kJ/mol. फायदे में है कि नहीं. अब ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन. एक रिएक्शन नहीं हो रहा था
क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव था, तो हमने उसके बगल में एक और रिएक्शन चला दिया जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है, और दोनों रिएक्शन को जोड़ के देखा तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा था, काम बन गया। क्लियर है? इसको हम लोग यूज करते हैं किसी के रिडक्शन प्रोसेस में। मान लो कोई सब्सटेंस रिड्यूस हमें करना है, तो उसकी रिडक्शन की हमने इक्वेशन लिखी, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव था। फिर हमने कार्बन के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखी, उसका डेल्टा जी नेगेटिव था, दोनों को जोड़ा ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव। समझाते हैं, मिटा रहे, नोट कर लो, कंसेप्ट है ये कपलिंग रिएक्शन कंसेप्ट, समझ में आया? कपल कर दिया, इसको कपल कर दिया, मिला दिया, जिसके मिलाने की वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो गया। मिटा दे, ओके। जैसे इसी का एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी है कि मान लो हमें किसी मेटल को रिड्यूस करना है, कपलिंग रिएक्शन की कंसेप्ट है, हमको रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल। तो मान लो मेरे पास मेटल की कोई ऑक्साइड है MO, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है, हमें मेटल चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, MXOY, तो यहाँ पे XM Y times of O मिल गया, ये तो ये मिलेगा Y by 2 O, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना, O2 निकलेगा ना, तो Y by 2 कर दिया, समझ में आ रहा है? MXOY, हमें पता नहीं कौन सा मतलब मेटल है, वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, तो X times M निकल गया, Y by 2 by O2 निकल गया। मान लो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो प्लस कुछ भी है, प्लस X, तो ये अपने आप तो रिड्यूस नहीं होगा ना, ये मेटल अपने आप रिड्यूस होगा नहीं, हमें मान लो इसकी मेटलर्जी करनी है, तो मेटलर्जी में हम ऑक्साइड बनाते हैं। जब मेटलर्जी होती है, मेटल को ऑप्टेन करना होता है, तो आखिरी स्टेप यही होता है मेटलर्जी का कि ऑक्साइड को रिड्यूस करो, हमसे नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, हमने कार्बन का रिएक्शन देख लिया, कार्बन का ऑक्सीडेशन सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, हमने ये देख लिया प्रोसेस कार्बन का ऑक्सीडेशन, और हमने इसका डेल्टा जी देखा माइनस वाई आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे, इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन दोनों रिएक्शन को ऐसे जोड़ेंगे कि O2 O2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाए, रिएक्शन को ऐसे जोड़ेंगे इसको यार भाई, तो इसको डेल्टा जी को एक्स नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, मान लो एम है और यहां डेल्टा जी मान लो माइनस एन है, अब इन दोनों को हम ऐसे जोड़ देंगे कि ओवरऑल डेल्टा जी कैसा हो, नेगेटिव अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो। जैसे आप पढ़ते हो ना कि कई ऑक्साइड ऐसी हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होती, एल्युमिनियम की ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्साइड, ये सब कार्बन से रिड्यूस नहीं होती, क्यों, क्योंकि जोड़ने पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा होता है। इसको ऐसे जोड़ना है कि दोनों तरफ का O2 O2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना, यानी इस रिएक्शन को आप क्या करोगे, y by 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, y by 2, y by 2, y by 2, अब इसकी वजह से ना ये भी तुम्हारा y by 2 से मल्टीप्लाई होता है, क्यों, क्योंकि g कैसी क्वांटिटी थी, एक्सटेंसिव। बात समझ में आ रही है मेरी, इन दोनों रिएक्शन को ऐसा जोड़ो कि ये y by 2 O2 y by, अब जोड़ोगे y by 2 O2 y by O2 कैंसिल, इधर क्या मिला, कोई मेटल की ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट विच इज कार्बन गिव्स मेटल सागा सहगा प्लस y by 2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब टोटल जी जे कालोगे रिएक्शन का वो हो जाएगा प्लस m माइनस n y by 2। अब अगर टोटल जी नेगेटिव आता है तो इस मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकते थे, अगर टोटल जी पॉजिटिव आता है तो इस मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते थे। बता लोगे आंसर अगर एग्जाम में आया, एग्जाम में वो तुमको ये रिएक्शन लिख के दे देगा डेल्टा जी, ये रिएक्शन लिख के भी डेल्टा जी दे देगा, फिर तुमसे कहेगा पता लगाओ क्या इस ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इन दो रिएक्शन को ऐसे ऐड करना कि दोनों तरफ की ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, ताकि देखो मेटल के रिडक्शन की इक्वेशन बन जाए पूरी, ये देखो रिडक्शन की इक्वेशन है, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल देखो यहां से यहां रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऐसे ऐड करना कि ऑक्सीजन दोनों तरफ कैंसिल, और इस इक्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई करोगे इसका डेल्टा जी उससे मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ भी हो सकता है, इत्तेफाक के लिए इसके O2 के सामने मान लो 3 लिखा हो, इसके O2 के सामने 2 लिखा हो, अब इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये 6 O2 हो जाए, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये भी 6 O2 हो जाए, तो इसका डेल्टा जी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका डेल्टा जी 3 से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है ये, क्लियर हो रहा है पक्का 100%, मिटा दें, ओके, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर मेटल ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करे, डिपेंड करेगा, टोटल डेल्टा जी निकालना पड़ेगा, रिएक्शंस को ऐसे जोड़ना कि भैया O2 O2 कैंसिल हो जाए। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं आप लोग को अगले वीडियो में लेके आऊंगा कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका क्या रिलेशन है, छोटा सा वीडियो होगा वो भी। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।